जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। करोड़ों लोगों के सपने को सरकार ने साकार करा है और केंद्र सरकार ने अब 370 और 35 से हटा कर ये जतला दिया है, ये बता दिया है, ये मैसेज क्लियर कर दिया है कि सरकार जो है सबका साथ सबका विकास में तो विश्वास रखती है, लेकिन अपने किए गए वादों पर भी प्रतिबद्धता दिखा रही है। आने वाले दिनों में हमें ये भी देखना होगा कितने और वादे सरकार पूरे करती है, कितने और वचन निभाती है जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपने कहा था और जिसको लेकर सरकार बनी थी, जिसको लेकर लोगों ने सरकार पर विश्वास जताया था। अभी हाल ही में 3 तलाक का बिल जो पारित हुआ उसके अंतर्गत ये हुआ कि तीन बार एक साथ तलाक कहे जाने पर किसी पत्नी को घर से निकाला नहीं जाएगा, वो बच्चे लेकर दर दर नहीं फिरेगी। ये मुस्लिम बहनों के साथ सरकार ने न्याय करा। आज 370 और 35A हटाकर सरकार ने ये जता दिया है कि कश्मीर के लोग भी मुख्यधारा से जुड़ेंगे और भारत के जितने भी नागरिक हैं वहाँ जैसे और राज्यों में संपत्ति खरीद सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहां पर भी जाके कार्य करेंगे और देशद्रोह अलगाववाद की रणनीति अपना के देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले जो गैंग हैं इनको एक मैसेज क्लियर कर दिया है कि अगर आप इस देश में ढंग से नहीं रहोगे और देशद्रोह की एक्टिविटीज को करते रहोगे तो ये अब नहीं चलने वाला। आपकी जगह आपको जेट सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा जाएगा, आपको जैसे एक अलगाववादी, एक देशद्रोही और एक टेररिस्ट आतंकवादी को ट्रीट करा जाता है वही ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, आप कोई अछूते नहीं रहेंगे इससे। आज सरकार ने यह भी मैसेज क्लियर करा है दुश्मन देश को कि अब हम अपने लोगों को साथ लेके चलेंगे और जो गलत लोग हैं, जो उनके साथ मिले हुए हैं, जो रायचंद जयचंद बने हुए हैं, उनको उनकी इस देश की गतिविधियों में कुछ भी हमारे देश के साथ गलत करने पर उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और कल हमारी सेना जो 30 किलोमीटर अंदर घुसी थी ये भी उस बात का प्रमाण है, सेना के हाथ खुले हैं। अब सेना अपनी कार्रवाई जिस ढंग से चाहती है उस ढंग से करेगी। कोई पत्थरबाज अगर पत्थर मारेगा तो उसके वो पत्थर मारते हुए हाथ तोड़ दिए जाएंगे। इस तरह से सरकार काम कर रही है और सरकार इनको उसी तरह से ट्रीट करने जा रही है जिस चीज को डिजर्व करते हैं। जो अपने देश से प्यार करता है, जो देश के साथ रहना चाहता है, वो इस देश के खिलाफ काम नहीं करेगा और जो अलगाववाद की स्थिति पैदा करेंगे और जो देशद्रोही और आतंकवादियों के साथ उनको घुसपैठ कराएंगे, उनके साथ इस देश के विरुद्ध कार्य करेंगे, उनको जेल में डाला जाएगा। और धारा 370 और 35A के हटने से ये भी होगा कि अब वहाँ जो विधानसभा होती थी जिसे स्पेशल दर्जा हासिल था, जो 6 साल चलती थी, अब वहाँ वो 6 साल नहीं चलेगी। जैसे भारत के और अन्य राज्यों में 5 साल चलती है, उसका भी कार्यकाल 5 साल का होगा। और जो लद्दाख है वहाँ पर भी केंद्र शासित राज्य रहेगा, उसको अलग कर दिया गया है और वहाँ पर जो पुलिस होगी, सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी वो केंद्र सरकार की होगी। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है सरकार का। आने वाले दिनों में और भी ऐतिहासिक फैसले हो ये इंतज़ार रहेगा। आप जानते हैं मैं किस और इशारा कर रही हूँ। और मित्रों, इस बात का मुझे ही नहीं, करोड़ों लोगों की आस्थाओं और जो बाहर भी हमारे समाज के लोग बैठे हैं उनको भी बहुत इंतज़ार है। आने वाले दिनों में देखना है ये कब होगा, कौन सी तारीख को होगा और ये फैसला कैसे लिया जाएगा। और उस दिन आपके समक्ष आकर आपको बधाई देने पर मुझे और भी गौरव महसूस होगा। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष करा और कश्मीर को लेकर नेताओं ने एक नारा भी दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। महर्षि कश्यप की धरती है जिसपे कभी ऋषि मुनियों का वास हुआ करता था, बाद में अलगाववाद और आतंकवाद के ये भेंट चढ़ा, यहाँ से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। अब लगता है आने वाले दिनों में पूर्ण स्थापन का काम उनके शीघ्र से शीघ्र होगा, हमें इसका इंतज़ार रहेगा क्योंकि कश्मीर फेक कश्मीरियत या केवल एक समुदाय विशेष का भाग तो कभी रहा नहीं। ये जिसका
जिसका भाग है उनको भी मिलना चाहिए, उनको ही मिलना चाहिए। हम बाकी लोगों को तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ जे जो लोग घुसपैठिए हैं उनको वहां से जरूर निकाला जाए, ये मेरी सरकार से अपील रहेगी। और जो इस देश का नहीं है उसको इस देश के में रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। सुविधाएं यहाँ की सुविधाओं को निर्वाह करने का या सिक्योरिटी लेने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेना को गाली दें और सेना से ही सिक्योरिटी लें। ये मेरे विचार थे आपके समक्ष 370 और 35A को लेकर, और इंतज़ार रहेगा आने वाले दिनों में आगे आगे आने होने वाले फैसलों पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।